Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. Okay. Now I am going to start first chapter Glorious India from beginning to 1206. ये chapter start हुए तो काफ़ी time हो चुका है and we are studying about the Maurya dynasty. In Maurya dynasty, we had study about the major rulers of this dynasty and about the Ashoka's Dhamma. Ashoka के Dhamma के बारे में पढ़ा and successor of Ashoka and fall of Maurya dynasty. After that हम लोगों ने पढ़ा उनका administration system. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज मिलिट्री सिस्टम. जो आज हमारा टॉपिक है वो है मिलिट्री सिस्टम. ओके, मिलिट्री सिस्टम. तो मिलिट्री सिस्टम कैसा था मौर्य पीरियड का, तो हम इसमें पढ़ेंगे मिलिट्री सिस्टम टू ऑर्गेनाइज आर्मी. यानी आर्मी है, मिलिट्री में आर्मी तो होगी, तो आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए या आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, मिलिट्री डिपार्टमेंट. ठीक है. तो देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट. There was a separate military department to organize army को organize करने के लिए एक अलग department था जिसका नाम क्या था, military department. Okay. एंड दिस डिपार्टमेंट, ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था वॉज डिवाइडेड इंटू सिक्स कमेटी. सेपरेट डिपार्टमेंट था मिलिट्री को, यानी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट था. सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट विच फर्दर डिवाइडेड इंटू सिक्स कमेटीज, और जो कि आगे कितनी कमिटीज में डिवाइडेड था, सिक्स कमिटीज में डिवाइडेड था ये. ओके, नाउ सिक्स कमिटीज, इस कमिटीज में कितने मेंबर्स होते थे, इन ईच कमिटी, अगर ये सिक्स कमिटी थी तो इन ईच कमिटी फाइव मेंबर्स. हर कमिटी में कितने मेंबर्स थे, there were five members in each committee. Okay, and ये जो committees थी ये किसके लिए responsible थी, ये जो these committees was responsible, ये six committee जो थी वो responsible थी for the five military department. इनकी जो जिम्मेदारी थी five military department की थी. तो these committees responsible for five मिलिट्री डिपार्टमेंट. अब ये फाइव मिलिट्री डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी. फाइव मिलिट्री डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी, तो आर्मी के फाइव मिलिट्री डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सिक्स कमेटी पर थी. तो आर्मी के वो फाइव मिलिट्री डिपार्टमेंट है, यानी कि पैदल, पैदल का मतलब सोल्जर ऑन फुट. ओके, कि जो सोल्जर्स पैदल ही वॉर करते थे, लड़ाई करते थे, उनके लिए सोल्जर्स ऑन फुट. हम फाइव डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं. अश्व मींस जो सोल्जर्स ऑन हॉर्स, यानी कि जो घोड़े पे बैठकर युद्ध करते हैं वो है सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस. थर्ड डिपार्टमेंट इज, व्हाट इज द थर्ड डिपार्टमेंट, है हाथी. Soldiers on elephant.
soldiers on elephants, fourth department, rath. Okay, soldiers on chariot, soldiers on chariot. उसके बाद में आता है द नेवल फोर्स फिफ्थ, द नेवल फोर्स. दीज वर द फाइव मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी ड्यूरिंग मौर्य पीरियड. तो मौर्य पीरियड के टाइम पर ये फाइव क्या थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स थे. ओके, दीज वर द फाइव मिलिट्री डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग मौर्य पीरियड. पैदल, ओके, जो सोल्जर्स पैदल ही वॉर किया करते थे, अश्वा, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, हाथी, सोल्जर ऑन एलिफेंट, रथ, सोल्जर्स ऑन चैरिट एंड द नेवल फोर्स. दीज वर द फाइव डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी. ओके, एंड कौन रिस्पॉन्सिबल था, इनको मेंटेन कौन करता था, इनको मेंटेन करता था सिक्स कमिटीज. एक सिक्स कमेटी होती थी, इस ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है सिक्स कमेटी में डिवाइडेड था. और ये जो सिक्स कमेटी है इन डिपार्टमेंट्स की क्या करती थी, लुक आफ्टर करती थी. ओके, इनकी देखभाल करती थी कि भाई किसको रिक्रूटमेंट करना है, किसको निकालना है. ठीक है, सेकंड थिंग, ये जो सिक्स कमेटी है, इन ईच कमेटी देयर वर फाइव मेंबर्स. हर कमेटी में कितने मेंबर्स होते थे, फाइव मेंबर्स होते थे. तो यहाँ तक समझ में आया, मिलिट्री सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट टू ऑर्गेनाइज आर्मी. ठीक है, सेना को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था विच वॉज डिवाइडेड इंटू सिक्स कमेटी. और ये जो है सिक्स कमेटी में डिवाइड थी. सिक्स कमेटी में कितने मेंबर होते थे, फाइव मेंबर्स होते थे इन ईच कमेटी. ओके, एंड दीज सिक्स कमेटीज वॉज यूज, दीज सिक्स कमेटी लुकड आफ्टर फाइव डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी. आर्मी के पांचों डिपार्टमेंट की लुक आफ्टर करती थी. एंड दीज कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फाइव डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी. द फाइव डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी वर पैदल, सोल्जर्स ऑन फुट, अश्वा, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, हाथी, सोल्जर्स ऑन एलिफेंट एंड रथ, सोल्जर्स ऑन चैरिट एंड द नेवल फोर्स. आगे हम बात करते हैं कि ऑफिसर की, कौन मेन ऑफिसर होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट में. एक ऑफिसर होता था जिसका नाम होता था अंतपाल. ये तो हमने डिपार्टमेंट की बात की है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था. मिलिट्री डिपार्टमेंट कितने कमिटीज में डिवाइडेड था, सिक्स में. सिक्स की जो ईच कमेटी फाइव मेंबर्स थी. और ये जो कमिटीज है सिक्स कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुक आफ्टर ऑफ फाइव डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी. अब एक है अंतपाल, एक ऑफिसर है अंतपाल. अंतपाल वॉज एन ऑफिसर. तो ये जो ऑफिसर था इसका क्या काम होता था, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. ठीक है, वॉज एन ऑफिसर, ये ऑफिसर होता था, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो होती थी मिलिट्री डिपार्टमेंट से जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था. ठीक है, मिलिट्री मैनेजमेंट से, कितने मिलिट्री मैनेज. तो अंतपाल वॉज एन ऑफिसर एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल इश्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो ही वॉज रेस्पॉन्सिबल टू इश्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट, रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट. तो मिलिट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे उससे ये क्या था, उसके इश्यूज ये सॉल्व करता था. तो अनंतपाल वॉज एन ऑफिसर एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू इश्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट. और इसका जो सेकंड काम होता था, ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज फ्रंटियर रीजन, यानी कि जो सीमा के आसपास की जो रीजन थे उनको ऑर्गेनाइज और मॉनिटरिंग करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी. ही वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल
he was also responsible for the organizing and monitoring of border region and border monitoring border रीजन बॉर्डर रीजन यानी कि जो सीमा के आसपास का जो एरिया होता था, जो किंगडम के जो बॉर्डर होती थी उसके आसपास के रीजन को ऑर्गेनाइज करने में और उसकी मॉनिटरिंग करने में, यानी कि उस बॉर्डरिंग रीजन की कह सकते हैं कि सेफ्टी करना और वहाँ पर आर्मी को ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटरिंग करना, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? अंतपाल की होती थी। तो हम लोग मिलिट्री सिस्टम में एक ऑफिसर को डिस्क्राइब करेंगे अंतपाल। अंतपाल वॉज एन ऑफिसर, ये एक ऑफिसर होता था एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी? टू ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू इश्यूज रिलेटेड मिलिट्री मैनेजमेंट, यानी कि इसकी मिलिट्री मैनेजमेंट से, मिलिट्री को मैनेजमेंट करना यानी कि आर्मी को मैनेज करने से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते थे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता था। सेकेंड थिंग, इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऑर्गेनाइजिंग करना एंड मॉनिटरिंग करना बॉर्डर रीजन। बॉर्डर रीजन का मतलब होता है जो किंगडम की जो बॉर्डर होती थी, किंगडम की जो बॉर्डर है जो सीमा है उसके आसपास के रीजन को मॉनिटरिंग करना और उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको सुनियोजित करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अंतपाल की होती थी। तो मिलिट्री सिस्टम में कोई डाउट है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिलिट्री सिस्टम ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में एक मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था टू मैनेज आर्मी या टू ऑर्गेनाइज आर्मी, यानी कि आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज। ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, ये जो एक डिपार्टमेंट है वो कितनी कमिटीज़ में डिवाइडेड था? 6 कमिटीज़ में। और इनके मेंबर्स कितने होते थे? ईच कमिटी हैड 5 मेंबर्स, और हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे। ये जो 6 कमिटी थी इनका काम क्या था? दीज 6 कमिटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी। इनकी जो जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी आर्मी के 5 डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर करने की। तो दीज 6 कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी। ये आर्मी के 5 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते थे? पैदल, ओके, सोल्जर्स ऑन फुट एंड अश्व, सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, हाथी, सोल्जर्स ऑन एलिफेंट्स, रथ, सोल्जर्स ऑन चैरेट एंड द नेवल। ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं इनके लुक आफ्टर करने की जो जिम्मेदारी है वो 6 कमिटीज़ की होती थी। फिर हमने पढ़ा है अंतपाल। अंतपाल एक ऑफिसर है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर द इश्यूज रिलेटेड टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री मैनेजमेंट। मिलिट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? अंतपाल। और अंतपाल की एक जिम्मेदारी और होती थी, अंतपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर रीजन किंगडम की जो सीमा है उसको मॉनिटरिंग करने का और उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किसका होता था? अंतपाल का होता था। एक चीज़ और है कि मेगस्थनीज जो कि कौन था, एम्बेसडर था ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, उसने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डिस्क्राइब किया है, चंद्रगुप्त की सेना को कैसे डिस्क्राइब किया है कि हम लोग को मेगस्थनीज की जो इंडिका बुक है, अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज की जो इंडिका बुक है तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसकी आर्मी में 6 लाख सोल्जर्स तो ऑन फुट थे, चंद्रगुप्त की जो आर्मी थी उसमें सोल्जर्स ऑन फुट कितने थे? 6 लाख। ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मेगस्थनीज इंडिका, मेगस्थनीज की जो इंडिका बुक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इंडिका वॉज द बुक रिटन बाय द मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज कौन था? एम्बेसडर ऑफ, ग्रीक एम्बेसडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. अंडरस्टूड. तो मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनके कोर्ट में एक एम्बेसडर था जिनका नेम क्या था, मेगस्थनीस. उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी और इस इंडिका बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि मौर्य पीरियड के इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. अबाउट द मेजर रूलर्स ऑफ अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो इन्होंने बताया अपने इंडिका बुक में एक्सप्लेन क्या है अबाउट द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में 6 लाख सोल्जर्स तो फुट पर थे और 50,000 हॉर्समैन, 50,000 हॉर्समैन थे, यानी कि जो रथ पर जो घोड़े पर जो वॉर करते थे, घोड़े पर बैठ करके जो वॉर करते थे वो कौन थे, हॉर्समैन कितने थे, 50,000 थे. और 9,000 एलिफेंट्स, 9,000 एलिफेंट्स एंड 800 800 क्या थे, चैरिट्स थे. अंडरस्टूड. तो हम लोगों को ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो नंबर ऑफ आर्मी है किसकी है, चंद्रगुप्त मौर्य की. तो अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीस इंडिका, इन द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, आर्मी कितनी थी, 6 लाख सोल्जर्स ऑन फुट, 50,000 हॉर्समैन, 9,000 एलिफेंट एंड 800 चैरिट्स थे. तो यहाँ पर हमने मिलिट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है, समझा है मिलिट्री सिस्टम. किस किस को नहीं समझ में आया, प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर में लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं दूंगी. और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें. तो हमने आज क्या पढ़ा है, मिलिट्री सिस्टम. मिलिट्री सिस्टम क्या था, ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड देर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड देर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट टू ऑर्गेनाइज आर्मी. आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट. मिलिट्री डिपार्टमेंट कितनी कमेटी में डिवाइड था, कितनी कमेटी में, गिव मी आंसर, 6 कमेटीज. ओके, इन ईच कमेटी देयर वर 5 मेंबर्स. ओके, और ये जो 6 कमेटीज थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, लुक आफ्टर 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी, कि ये जो आर्मी की 5 डिपार्टमेंट्स उनको लुक आफ्टर करना है. वॉट वर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी, पैदल, ठीक है, अश्वा, हाथी, रथ और नेवल फोर्स. दीज वर द 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्मी ड्यूरिंग मौर्य पीरियड. इसके अलावा हमने पढ़ा अंतपाल के बारे में. अंतपाल एक ऑफिसर था एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशूज रिलेटेड टू मिलिट्री मैनेजमेंट एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग बॉर्डर रीजन. अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीस बुक इंडिका की जो बुक है मेगस्थनीस की, उसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो सेना थी वो 6 लाख सोल्जर्स ऑन फुट थे, यानी कि पैदल सोल्जर्स 6 लाख थे, 50,000 क्या थे, 50,000 हॉर्समैन थे एंड 9,000 एलिफेंट्स एंड 800 चैरिट्स थे. अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्य पीरियड. कौन सा सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम का जो सुप्रीम हेड होता था वो कौन होता था, किंग. किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम. तो जो सुप्रीम हेड होता था वो कौन होता था, किंग होता था. द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम का जो जुडिशरी का जो हेड होता था वो किंग होता था. अब हम बात करते हैं कि जो कोर्ट की बात करते हैं कि ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड कितने लेवल की कोर्ट थी. तो विलेज कोर्ट वर प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल. लेवल की बात करेंगे तो विलेज कोर्ट एट लोअर लेवल ठीक है. उसके बाद में आता है
जनपदा लेवल, ठीक है, विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट टू लोअर लेवल इन विच द ग्रामीणी एंड ग्राम विधा वृद्धा, जिसके अंदर इन कोर्ट्स में कौन होती थी, ग्रामीणी, ग्रामीणी, ग्रामीणी एंड ग्राम, ग्रामीणी एंड ग्राम विधा, ये क्या देती थी, ये जो कोर्ट थी यूज टू गिव ये जो होती थी ये जजमेंट दिया करती थी, गिव टू यू यूज जजमेंट, ये जजमेंट दिया करती थी। अब हम बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्य पीरियड। किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मौर्य पीरियड के टाइम पर जो राजा होता था वो ही जुडिशियल सिस्टम का क्या होता था, सुप्रीम हेड होता था। और सबसे निचले लेवल पर, जो सबसे निचले लेवल पर कोर्ट होती थी, जो गांव के लेवल की जो कोर्ट्स होती थी उनको, वो लोअर लेवल की कोर्ट थी, ठीक है। इन लोअर लेवल की कोर्ट्स जो होती थी उनका क्या नाम था, ग्रामीणी एंड ग्राम विधा, ठीक है। जो विलेज कोर्ट्स थी उनके नेम क्या होते थे, ग्रामीणी एंड ग्राम विधा, और वो ही क्या देती थी, जजमेंट देती थी। और इसके जो सेकंड लेवल पर और सुप्रीम लेवल पर जो कोर्ट्स थी उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई एसएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 8559877989 पर यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, प्लीज़ लाइक आर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।